प्रदेश के 52 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राह हुई आसान। जिन बुजुर्गों का फिंगरप्रिंट ही गायब हो गया था और उनका अब होगा ओटीपी सिस्टम से सत्यापन। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आज अपनी टीम पहुंची है जो खंडेला विकास अधिकारी जी मुरैलाल जी पारिका ने पूछा है काहे है पूरा मामलो। तो राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सामाजिक न्याय विभाग ने नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। आपके साथ जो सर जुड़े हैं पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट या न्यूज बड़ी है तो थे बड़े जो लाख तक। नमस्ते सर, सर जो सत्यापन है उसकी क्या प्रोसेस है? पंचायत समिति खंडेला क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जिन व्यक्तियों को पेंशन मिलती है उन समस्त व्यक्तियों का साल में एक बार भौतिक सत्यापन ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन सत्यापन के लिए संबंधित पेंशन के लाभार्थी को ई मित्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर या किसी अन्य मित्र ई मित्र पर जाकर के फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक भौतिक सत्यापन साल में एक बार करवाना पड़ता है, जो माह नवंबर और दिसंबर में विशेष अभियान चला करके किया जाएगा। तो सर जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है वो कैसे भौतिक सत्यापन करवाएंगे? जिन लोगों का फॉर्म फिंगरप्रिंट नहीं आता है उनका आईस स्कैनर्स के माध्यम से भौतिक सत्यापन हो सकता है। आईस स्कैनर्स के माध्यम से भी यदि भौतिक सत्यापन नहीं हो पाता है तो ऐसे व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के कार्यालय में और शहरी क्षेत्र के माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर के सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उनका ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। उस सत्यापन हेतु संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगी, उस ओटीपी के आधार पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा उसके लिए क्या सर, उसका कैसे सत्यापन होगा? माह दिसंबर बाद यदि ऐसे अभ्यर्थी जो अवशेष रह जाते हैं, जो शारीरिक कारणों से सत्यापन नहीं करवा पा रहे हैं, उन लोगों के सत्यापन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक सत्यापन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और उस सत्यापन अधिकारी के आधार पर उसको भौतिक सत्यापन उसकी रिपोर्ट मानी जाएगी। तो सर जिनका सत्यापन नहीं होगा उनकी क्या पेंशन रोक ली जाएगी? ये माह 31 दिसंबर 2022 तक ही जिनका सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राज्य सरकार द्वारा रोकी जा सकती है। तो आपने सुना, अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई बंधु हैं तो आप उन्हें सूचित करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें ताकि जनहित की जो सूचना है वो लोगों तक पहुंच सके।